हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनों के संग होंगे। मेरे भोलेनाथ की कृपा से सब कुशल मंगल रहे, मेरी यही प्रार्थना रहती है। तो पहले तो आप सभी बड़ों को मेरा दोनों हाथ जोड़कर पढ़ना, छोटों को सुभाषीष। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे, जो कि मैं अपनी गाय का दूध निकाल के आ चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं क्या बोल रही थी, आज मुझे जाना है घूमने के लिए, तो इसलिए मैं आज फटा इस टाइम पे मैं लहसुन लगा रही हूँ। वैसे तो मैंने सुबह लगानी थी, तो कुछ लहसुन तो मेरी पहले लग चुकी थी एक क्यारी में, और ये लहसुन वह है जो मेरी दीदी मेरे लिए लाई थी। भी ये घर का बीज है, वैसे तो मेरा अपने घर का बीज रहता था, लेकिन इस बार मेरी बीज ख़राब हो गया था तो मैंने अपनी दीदी से मांगा था, और कुछ मैंने बाज़ार का ख़रीद के लगाया था। तो मैंने आज क्यारी बना रखी थी पहले से, तो मैं यहाँ पर लग चुकी थी गोबर डालने पे। ये गोबर काला गोबर है गाय का, जो अच्छे से अच्छा होता है काला गोबर डालना। अगर आप गार्डनिंग करते हो तो काला ही गोबर डालना, मतलब जो कुछ पुराना हो जाए ना, अगर आप कच्चा गोबर डालोगे तो आपकी सब्जियां ख़राब हो जाएगी। तो ये गोबर है काला, खाद बन गई है पूरी अच्छे से। यहाँ पे मेरी क्यारी बन चुकी थी, तो मैं इसे प्लेन करने में लग चुकी हूँ। ये फट्टे से मैं इसी से प्लेन करती हूँ, नहीं तो क्यारी ऊपर खबड़ होती ना, तो फिर वो जब हम पाइप से पानी डालते हैं तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए मुझे ऐसा प्लेन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी लग रही है लहसुन, जिसको मैंने गांठ से एक एक अलग कर दिया था, और जो सबसे नीचे इसकी जो जड़ होती है उसको मैंने नीचे लगा रही हूँ। और मैं इस बार घनी घनी लहसुन लगा रही हूँ, क्योंकि कुछ लहसुन ख़राब भी हो सकती है, सारा ही बीज सही नहीं होता है। तो लहसुन लगाने के बाद हम चलेंगे घूमने। आज हम बच्चों को लेके जा रहे हैं रात को कौन से मेले में? सरस मेले में। हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी किसी निकाल रहा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब हो गए थे रेडी और सब गाड़ी में बैठने के लिए तैयार थे। तो आज आई है मेरे देवर के दोस्त की बेटी भी, तो उन्होंने भी कहा है कि हमें भी घुमाने ले चलो, तो उनके साथ हम भी घूम लेंगे। वैसे तो हम जाते नहीं, पहली बार जा रहे हैं हम इस मेले को देखने। तो यहाँ पर कर दिया था देवर जी ने अपना गेट लॉक, घर भी लॉक कर दिया था। और मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, वो अभी ड्यूटी से आए भी नहीं थे। मैं उनके लिए चाय बना के आ गई थी और फ़ोन कर दिया था कि चाय बन गई है, तो जब आओगे तो पी लेना, मतलब आने वाले रास्ते में थे तो मैं बना के आ गई, क्योंकि वो थके रहेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो मैं बना के आ गई थी। पार्किंग सरस की उस साइड जो वो है तुम्हारा इंदिरा मार्केट, हां हां, उसके जो बगल से बाहर निकल गया, नीचे रोड नहीं जा रही वहां है। तो बच्चे सब थे, तो गाड़ी में कार में इतनी जगह नहीं थी, तो एक बाइक भी ले जानी पड़ी। तो दोनों बेटे हमारे बाइक में आ रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं था, तो फटाफट घर गए पहले, फिर हेलमेट लेके आए और हम निकल चुके थे सरस मेला देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है पार्किंग, तो यहाँ पे लगी है सबकी गाड़ियाँ, तो हम भी अपनी गाड़ी ला के यहाँ पर पार्किंग में लगा दी है। तो उसके बाद हम पैदल चलेंगे आगे, क्योंकि आगे हमें जाना है मेन रोड से परेड ग्राउंड में। गाड़ी पार्क करके हम चले पैदल आगे सड़क से क्रॉस करके, फिर आगे मिलेगा हमें सरस मेला, और ये लगा है परेड ग्राउंड में। और हम पहुंच चुके थे परेड ग्राउंड के सरस मेला में, जो 10 दिन का लगता है, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भी, क्योंकि रात के टाइम लोग ज़्यादा आते हैं, शाम को लोग ज़्यादा घूमते हैं। वैसे ये दिन में ज़्यादा लगता है, मतलब दिन में ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन इस टाइम पे इतना ठंडा भी नहीं आता, तो लोग रात को भी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लगे हैं बहुत प्रकार के झूले, और बहुत ही बड़े बड़े झूले हैं, तो बच्चे तो झूले झूलेंगे और हम चलेंगे। यहाँ पर बहुत सारा सामान आता है ना, कुछ लोग अपने हाथ का बना के लाते हैं, कुछ लोगों का मतलब ऐसा आता है, तो मैं भी पहली बार देख रही हूँ, तो आपको भी दिखाऊँगी। देखिए कितने भयंकर भयंकर झूले, और हमें तो लगता है बहुत डर, तो हम तो नहीं बैठने वाले, बस बच्चे झूला झूलेंगे और हम देख कर आएंगे और एंजॉय करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लगा है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे मेले पे आई हूँ, वैसे मेले में तो मैं आती हूँ, पर ऐसे मेले में पहली बार आई हूँ सरस के, जो ये घर वहाँ पर परेड ग्राउंड में लगा है, और बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है ये मेला, तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप भी देखिए, इंजॉय कीजिए, तो मैं पूरा घुमाती रहूँगी आपको, आप देखते रहिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस आपको यहाँ पर दिखाऊँगी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैंने सुना हुआ है। तो चलिए फिर आगे। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके थे अंदर जहाँ पर ये पूरा मेला लगा हुआ है, और बहुत बड़ा एरिया लग रहा है मुझे यहाँ पर देख कर, तो अच्छा मज़ा आ रहा है देखने में। कुछ चीज़ें तो यहाँ पर सस्ती भी लग रही हैं,
और कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी भी है, तो हम कुछ कुछ ही खरीद पाएंगे क्योंकि इतना महंगा तो हम नहीं खरीद सकते। और यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे पॉट है, देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मन तो कर रहा है कि सारे ले ले, पर पैसा भी चाहिए तो हम देख के तसल्ली कर लेंगे। यहाँ पे साड़ियाँ 200 रुपये की थी पर हमने ली नहीं क्योंकि इतना सस्ता माल भी कहाँ अच्छा होता है। और यहाँ पे पायदान की वेराइटी है बहुत ज़्यादा, मतलब एक से एक चीज़। अरे ये देखिए कितना प्यारा, मतलब केदारनाथ का मंदिर बना रखा है यहाँ पे, देखिए केदारनाथ धाम देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और ये लकड़ी का बना हुआ है, मन तो कर रहा है ले लें पर आप जानते हो कि इस टाइम पे खर्चे बहुत हो चुके हैं तो हर चीज़ हम ले नहीं सकते। और ये घर की दालें आई है, और यहाँ पे देखिए कुछ दालें, कुछ मसाले और हाथ से बनाए सूपे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हाथ की बनाई होती हैं यहाँ पर, ये भी हाथ के बनाए हुए हैं देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब जगह के स्टॉल लगते हैं, कोई कहीं से आया होगा, कोई कहीं से, कोई गढ़वाल से आता है, कोई हिमाचल से आता है, मतलब अलग अलग जगह से आते हैं अपनी अपनी चीज़ों का प्रचार करने के लिए, जो उनके हाथ से बनाए होते हैं। ये कड़े भी यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे थे, मतलब देखने में इतना सुंदर है कि बस मन कब तो कर रहा है कि हर चीज़ ले लें, पर वही है ना कि हर पैसा ही वो तो सब ले सकते हैं लेकिन पैसा इतना नहीं है। तो हम देख के मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में। तो हमने कुछ चीज़ खरीदी है यहाँ पर से, एक मैंने ट्रे ली है, यहाँ पे लकड़ी का सामान बहुत प्यारा प्यारा है, तो अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। एक्चुअली में अभी हमें कहीं और भी जाना है तो हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं, तो अभी हम इसके बाद जाएंगे विरासत के मेले में, वहाँ पे भी ऐसे ही लगता है सब कुछ। और वो रात को लगता है, ये तो मतलब बंद हो जाएगा 10 बजे के बाद, तो अभी 8:30 होने वाला है तो यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। तो अभी लोग धीरे धीरे घर की ओर जा रहे हैं, तो देखिए जो चिड़ियाँ हैं भी हाथ की बनी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है टोकरियाँ, जैसे आप रोटी की टोकरी होती हैं, और ये आंटी जी बता रही हैं कि ये गढ़वाल से आई है और बता रही हैं कि यहाँ पे मतलब बहुत इनका जो रेंट है काफ़ी महंगा है, पर 10 दिन का 30,000 रेंट पड़ता है इनको। तो ये बेचारे भी इतनी दूर से आते हैं बेचने के लिए, तो बहुत से लोग खरीद भी रहे हैं, हमने भी ख़रीदा, ऐसा नहीं हमने कुछ नहीं ख़रीदा, हमने भी एक दो चीज़ें पसंद आई है और हमने ले लिया। और यहाँ पर आ गए फिर से पॉट और कुछ यहाँ पे लकड़ी का सामान, इतना वीडियो में इतना अच्छा नहीं आ रहा जितना ये सामने देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बोल नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है। तो आप भी ऐसी वीडियो के माध्यम से देखिए, और अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइए सरस मेले में, इंजॉय कीजिए। और अब मतलब आपको घर की सजाने की बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा वेराइटी होती है यहाँ पर, अलग अलग वेराइटी हैं। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर आ रही है लकड़ी की ट्रे पसंद, और मेरे देवर और को आ रही है लकड़ी की चप्पल पसंद, यानी कि खड़ाओ। और ये यहाँ पे देखिए मिरर कितना प्यारा है, लकड़ी का है, मतलब साइड साइड में लकड़ी का काम हो रखा है इसमें। तो मैंने ले ली है ट्रे और मेरे देवर ने ली है चप्पल, खड़ाओ बोलते ना जिसको अंदर के लिए, वो ले लिए। यहाँ पर भी सारा सामान लकड़ी का लगा हुआ है। बहुत मेहनत से बना हुआ है इनका सामान, पर महंगा भी वैसे ही जितना मेहनत लगी उतना महंगा है, तो इतना तो चलेगा ही। तो अब चलते हैं आगे की ओर, बहुत कुछ है देखने लायक, बस ये कि मैं थोड़ा जल्दी हो रही है जाने की। तो फ्रेंड्स अब बज चुके थे 9:30 और हम आ चुके हैं विरासत में, और यहाँ पर से मैं आपको ये दिखाती बोर्ड लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी बच्चे जा रखे हैं गाड़ी पार्किंग करने के लिए, क्योंकि बाइक भी पार्किंग करनी है और कार भी, और यहाँ पर ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पर पार्किंग है। तो हम खड़े हैं सड़क में, तो गाड़ी पार्क हो चुकी थी, तो हम आ चुके हैं सबके सब विरासत के मेले में। और ये पूरी रात भर चलता है, यहाँ पे लोग रात को ज़्यादा आते हैं, और यहाँ पर भी मतलब दिमाग ऐसा हो गया कि देख के कि कितना सजावट है, मतलब लोगों के हाथों में कितनी कलाकारी है, कि वो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना देते हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर है, देखने में ऐसा आनंद आ रहा है कि बस क्या बोलें। यहाँ पर भी लकड़ी का सामान बहुत ही प्यारा है, पर वही है कि रेट एक ही स्टूल का रेट 4,000 है, मतलब जो स्टूल होते हैं ना आपके वो 4,000 से नीचे नहीं है। तो यहाँ पर वही है कि बड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिनके पास पैसा है मतलब वो ख़रीद के ला सकते हैं, और हम तो देख के एंजॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल टाइप का है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लेकिन ये 15,000 का बताया जा रहा है, काफ़ी महंगा महंगा है, पर जितना महंगा है उतना सुंदर भी है, देखिए कितना सुंदर है, आप भी देखिए।
क्या लोगों के हाथों में, मतलब कितनी कलाकारी है, कि कितने सजा रखा, कितने प्यार से, कितने अच्छे से बना रखा है ये आँखें, मतलब देख के चौंक जा रही है कि क्या है ये, लकड़ी से बनाया हुआ है। छोटा वाला झाड़ू दिखाओ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बन रही है फ्रूट आइसक्रीम। फ्रूट को निचोड़ निचोड़ के बनाया जा रहा है। चीजें रखे बच्चे टक से मार देना। तो फ्रेंड्स अब 10:30 हो चुका है और हम विरासत से भी निकल चुके हैं। अब जाना है घर की ओर। और आज हमने खाना पीना नहीं खाया, तो खाना पीना भी हम खाएंगे किसी रेस्टोरेंट पे। तो हम गाड़ी का वेट कर रहे थे, गाड़ी भी आ गई है, तो अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। अब हम पहुंच चुके थे प्रेम नगर IMA में। अब यहीं पर कोई रेस्टोरेंट देखेंगे तो वहां पे रुकेंगे, क्योंकि बच्चों को लग चुकी है भूख। वहां पर कुछ नहीं खाया था, छोटा मोटा कुचुर खाया था, लेकिन कुछ ऐसा नहीं खाया जिससे पेट भरे। तो हम पहुंच चुके हैं अपने सिद्धू वाले के पहलवान परांठा ढाबा पे। तो आज यहाँ पर भी किया जाएगा डिनर। अब देखते हैं बच्चे क्या क्या खाएंगे। तो हम गाड़ी खड़ी कर रहे हैं ड्राइवर लोग और हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की ओर खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं मेन्यू कि क्या क्या खाना है उनको, तो डिमांड करेंगे तो वही लाया जाएगा जो बच्चे खाएंगे। तो यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ उनकी वीडियो बनाने के लिए। तो खाना खा के हम चलेंगे सीधे घर की ओर। अब बजने वाला है 11, तो हमें घर जाते जाते तो 12 बज ही जाएगा, क्योंकि आधा घंटा खाने में भी लगेगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में।